अत्र थ शब्द से अकारो विधीयमानो अंत से प्राप्नोति। थ शब्द के स्थान में विधीयमान जो अकार अलोन्त्य से अंत के स्थान में प्राप्त होने लगेगा। न च अकार से अकार विधो निरर्थकत्वम् इति वाच्य। अकार के स्थान में अकार विधि करना व्यर्थ होगा ऐसा नहीं कहना, यथासंग के लिए जरूरी है, कुछ न कुछ आना चाहिए था, नहीं तो 9 है, नहीं 18 है और ये 17 रह जाएगा ना, या वह 9 इधर 8 हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा, तिब जैसे मस्तक जो है 9 है और ये यदि नहीं रहेगा तो एक कम हो जाएगा, यथासंग नहीं लगा पाएंगे आप। यथासंग की पूर्ति के लिए मौको ले लेंगे, यथासंग संपादने कृतार्थत्वात् इति, ऐसे कुछ लोगों ने कहा तकदात्रा हो, यह अलंत्य से तो लग ही नहीं सकता, अलंत्य से यहाँ लग नहीं सकता वास्तव में, ये धातु के अधिकार है पंचमी, यहाँ पर लगेगा तस्मादित्तर से आदे परस्य, परस्य आदि में होगा है ना, परस्य तस्य आदिर बुद्ध, आदि में कौन है, थ है, हल व्यंजन, उसके जरूर अकार बैठ जाएगा और जो था में आता हो तो वैसे रह गया, तो उसको कुछ नहीं, व्यंजन को आकार हो जाएगा, दोनों आकार रहते गुण पर रूप से फिर वही रह जाएगा, रूप की सिद्धि भी हो गई, आपत्ति भी दूर हो गया। अतरा हो धातुरित्यधिकारात् आधे प्रसिति व्यंजन मात्र से कृते, व्यंजन मात्र स्थान में हम अकार आदेश कर देंगे, करने के बाद में द्वय हो अतो पर रूपम, एक समाधान तो यह है, अयद्वा अथवा दूसरा समाधान यह है कि द्वयोर अकार हो पर रूपेण सूत्र निर्देश, सूत्र में ही एक अकार का प्रश्लेष है, उन दोनों अकारों का पर रूप करके ही पाणिनि ने एक अ जो दिख रहा है उसके अंदर दो अ इसलिए छपा हुआ है निर्देश काल में पाणिनि के द्वारा, तथा चाहने काल सर्वादेश सिद्धम इष्टम, इसलिए अनेक काल तो सर्वादेश हो जाएगा, तो दोनों पक्ष में इष्ट सिद्धि आसानी से हो जाएगी, कोई हमें यथासंग से चरितार्थ की से कल्पना आदि करने की जरूरत, कालों तो प्राप्ति नहीं होता है। ननु सुबंता नाम एव द्वंद्व तथा अकार द्वय कल्पनायाम स्वर्ण दीर्घ एव सियात इति चेत, तब पूर्व पक्ष कहेगा यदि सूत्र दो अकार कह रहे हो फिर वह आ होना चाहिए, अकार स्वर्ण दीर्घ होना चाहिए, अश्च अश्च इति यदि आप करोगे तब सुबंध रहेगा तो अतगुण पर रूप लग जाएगा, अतगुण पर रूप लग जाएगा, ये पदांत में करते ना अतगुण, यह पदांत है, ये केवल आ रहेगा तो अतगुण नहीं लग सकता, आकर्षण दीर्घ हो जाएगा फिर अपदांत होने से, इसलिए यदि आप द्वंद्व समास यदि करोगे तब अतगुण लग सकेगा नहीं तो नहीं लगेगा, द्वंद्व समास फिर अर्थ हो जाएगा दो है, एकत्व नहीं आ जाएगा उसमें, तो द्वंद्व कह रहा है ननो कि सुबंता नाम है द्वंद्व, सुबंत में द्वंद्व होता है, यहाँ जो अकार द्वय ये तो कल्पित है स्वर्ण सुबंत तो है नहीं, स्वर्ण दीर्घम एव चेतमय आदेशानाम स्थान्यर्थेन इव अर्थवत्वात्, यहाँ पर स्थानीयभूता जो आदेश है क्योंकि स्थानीय है ना थप स्थानीय था उसके स्थान में आदेश हो रहा है, आदेश अर्थवान नहीं है, प्राप्त संज्ञा नहीं होगी, सुबंत नहीं बनेगा, द्वंद्व समास नहीं हो सकता, अर्थगुण पर रूप नहीं होगा, यह बात आप नहीं कह सकते कि स्थानीय जो था प्रत्यय अर्थवान है उसके द्वारा आदेश भी अर्थवान हो गया, अर्थवत्वात् प्रसंज्ञा होगी, प्रतिवेदत्वात् सुप आएगा लोप हो जाएगा और वहाँ पर स्वंत तत्व ध्वंसमास तत्व अर्थगुण पर रूप होने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं आदेशानाम स्थान्यर्थेन एव अर्थवत्वात् थ शब्दस्य विद्यमानम् अकारद्वयम् प्रत्येकम् अर्थवत् न भवति इति समितस्य प्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिकत्वेन अतोगणित परूपस्यैव प्रत्ययः, कि विद्यमान जो अकारद्वय है वह प्रत्येकम् अर्थवत् न भवति पक्ष भी है भवति पक्ष भी है, यदि कहोगे दोनों के स्थान में पररूप किया हुआ एक अकार आदेश हो रहा है फिर दो अर्थवान नहीं रहा, वो एक अकार है ना वो अर्थवान हो गया, एक अकार अर्थवान है फिर आकर्षण दूर होना चाहिए था, कहते नहीं इतने समुदित से प्रातिपद कर दो, करो फिर समुदाय को प्रासंज्ञा कर दो, दोनों आरोपी समुदाय अर्थवान है तो उसकी प्रासंज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदित्व अतो गुण इति परूप सेवा
प्रवृत्ते है। अन्न अलग अलग है ना, कहीं यहाँ पर होना चाहिए एक साथ प्रतिपदत्व। प्रासंगिक तो है ही हमारे पास, प्रासंगिक नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है। प्रासंगिक रहेगा तो परमेश्वर आया अदन सु, तो पदांतरवर्ती तो आकार होगा ना अ सु, तो हमें अतवर्ण प्ररूप लगाने में कोई आपत्ति नहीं रहेगी। भूवोक, अब अगला सूत्र आरंभ होता है। भूवोक लुंग लिटो हो, भूवोक लुंग लिटो हो, भूव षष्ठी का एक वचन, उक प्रथमा का एक वचन, लुंग लिटो हो सप्तमी का द्विवचन। वो उगागम सियात लुंग लिटोर अच्छी, धातु को मुक्का आगम हो जाता है लुंग और लिट संबंधी अजादी प्रत्ययों के प्रेरते हुए। नित्यत्वात् उग गुण वृद्धि बाधते, नित्य होने के नाते सात गुण या कहीं वृद्धि प्राप्त है उन दोनों को बाध देता है। नल है नवन से नित्य, नित्यत्व वृद्धि प्राप्त होगा। अन्य तरह जैसे सिप में थल होगा आर्द्र संज्ञा है गुण प्राप्त होता है। गुण और वृद्धि दोनों को बाद के पहले उक हो जाएगा, उक होने वाले गुण प्राप्त होगा वृद्धि प्राप्त होगा। अजंतांग है नहीं, लघुपद है नहीं, सगुण वृद्धि बाद में प्राप्ति नहीं होगा। से उक जो है गुण धी द्विवचन दिया इसलिए दीर्घ, उक प्रथम एक वचनांत है से वहाँ बाधते एक वचन प्रयोग कर दिया। गुण वृद्धि इन दोनों को उक क्या करता है बाधता है। हाँ उक है ना प्रथम एक वचन है, वो वाक्य है, वो हलन तो होने से नहीं छपाया दूर नहीं छपाया एक साथ छाप दिया, लेकिन वो अलग पद प्रथमा का एक वचन और गुण वृद्धि प्रथमा का द्विवचन। गुण इन दोनों को उक बाधते मैंने बाधता है ये अर्थ। यहाँ भी काफी बोल रहे हैं इसे पहले इसको निपटा दिए। भूग लुंग लिटो हो अचित, कहाँ से अनुवृत्ति आया बाल ब्रह्मा में अचित धातु रित्यता तदनुवृत्ति भाव अचित किम, ये लेनी क्या जरूरत है अनुवृत्ति करने की अभूत या न हो। लुंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अभूत, यहाँ पर क्या है ता प्रत्यय है आजादी प्रत्यय है नहीं, इसे अब उकागम नहीं हुआ। यदि अचि न कहते तो यहाँ भी उकागम हो जाता पति थी। ननु नली परत्ता उकम्बायित्वा अजंडिति वृद्धि स्यात् बभुविथा इत्यत्र तु सार्धात्कारित गुणा स्यात् इत्यतः नित्यत्वादिति। नित्यत्वाद पहले क्या उक होगा और वह उक गुण वृद्धि को बाध देता है। कृतियोरपि गुण वृद्धि और एक देश कृति न्यायात उक प्रवर्तित है, नित्य क्यों हो गया उक, क्योंकि आप गुण कर लो भी कर लो तो भी एक देश कृति न्याय से हम उक बाद में भी कर सकते हैं। पहले भी उक प्राप्त है बाद में भी उक प्राप्त है, इसलिए गुण वृद्धि करो न करो दोनों ही दिशा में प्राप्त है। लेकिन एक बार उक करने के बाद गुण वृद्धि प्राप्त नहीं है, क्यों नहीं होता? हाँ अजंतंग नहीं रह गया ना, वो कागम हो गए तो क्या हुआ हलंत हो गया कि नहीं, अजंतंग कहाँ है, अचोणिति कैसे लगेगा, सार्थकार कैसे लगेगा, वो भी अजंतंग में ही करता है। फुगंत लघु भी नहीं ला सकते क्योंकि भूख्या है दीर्घ है लघुपद नहीं है, किसे गुण वृद्धि प्राप्ति नहीं होगा। उक जब नहीं है तब गुण वृद्धि प्राप्त है, वो कर दोगे गुण वृद्धि प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि अजंतांगत्व ही भंग हो गया, लघुपदत्व न होने से गुण वृद्धि नहीं आएगा, अथवा अनित्य हो गया। और उक आप गुण करो न करो, करो न करो दोनों दिशा में उक हो जाएगा, कि गुण वृद्धि करोगे हम एक शुक्रत नहीं लगा करके उक कर डालेंगे, नहीं करो तो स्वतः भूहय धातु हो ही जाएगा, इसलिए उक नित्य हो गया गुण वृत्ति हो गया। आकृतियों भी प्रवर्तित वही कृतियों भी गुण वृद्धि और एक न्याय भूख प्रवर्तते अकृत्य और प्रवर्त कृताकृत प्रसंगी यो विधि सनिति न्याय न, इस लक्षण के आधार पर भी यह बात भूख नित्य सन
ಉಗ್ನಿತ್ಯ ಹೋತೆ ಹೂವೆ ಗುಣವೃದ್ಧಿ ಬಾಧತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಗುಣವೃದ್ಧಿಯಿಂದನಗೋ ಬಾಧ್ಯತೆ. ದೇಖೋ ಉಕ್ ಉಕ್ ಅನ್ಬೇಕಿದೆ, ಪೂರ್ವ ಅನ್ಬೇಕಿದೆಯೇನ? ಉಕ್ ನಿತ್ಯ ಸನ್ ಕಾಮಡಲ್ಲಿ ಗುಣವೃದ್ಧಿ ಬಾಧತೆ ಐಸ ಅನ್ಬೇಕು. ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧ ಉಕ್ ಚಾಯ ಉಕಿ ಕಕಾರಿತ್ ಉಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಅರ್ಥ. ಉಕ್ಮೆ ಕಾಗ ಇತ್ ಹೋರ್ ಉಕಾರ ಕೆಲ ಉಚ್ಚಾರಣ ಸಂಗೇನೆ ಉದಿತ್ ಹೋಗ ಉದಿತೋವಾ ಪ್ರತಿಮೆ ವಿಕಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಗಡಬಡ ರೂಪ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥ ಹೈ ಮಾತ್ರಿತ ಕೈತ್ ಕ್ಯೂ ಕರ ಆದ್ಯತೆ ಟಕಿತವು ಲಗಾನೆಲೆ ಟಕಿತವ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥ ಅಂತ ವೈವಿಕರಣಕ್ಕೆ ಇಸೆ ಕುಕ್ಕು ಕಕಾರ ಇತ್ಸಂಗೆ ಕೈಯ ಅನುಬಂಧ ರಕ್ತ ಕಿತ್ವಾದಂತ ವಯ ಭೂ ಅ ಇತಿ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಥಿತಿ ಭೂ ಅ ಸ್ಥಿತಿ ಬನ್ ಗೈ. ತತ್ವೋ ಅಚಿಷ್ಣು ಧಾತು ಇತಿ ಸೂತ್ರ ಅಚಿತ್ಯನ್ ವರ್ತತೆ ತದಾ ಲುಂಗ್ಲಿಟೋರ್ ಅಚಿತಿ ಅಚಿತಿ ಗೇಂ ವೈದಿಷ್ಟ ಅಭೂತ್ ಅಭೂ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಮಧ್ಯ ಪುರುಷ ಏಕ ವಚನ ಗರುಪ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಉಕಿ ಸತಿ ಲೋಪವಿರುತಿ ಲೋಪಂ ಬಾಧಿತ್ವ ಪ್ರತ್ವಾದ್ ಹಲ್ಗ್ಯಾದಿ ಲೋಪ ಸ್ಯಾತ್. ಆಕ್ಯಾವತ್ತೆ ಮಾನ್ ಲೂಕ್ ಬಿ ಹೋ ಬಿ ಜಾಯ ತೊ ಕ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋನೇ ದೋ ಹಾಂ ಲೋಪ ವ್ಯವರ್ ಬಲಿ ಹೋಗೋ ಲೋಪ ಕರ್ತೇಂಗೆ ವಲ್ ಪರಮೆ ತಿಪ್ಪತ್ತ ಸಿಪ್ಕಾಸ ತಗದ ಆಪ್ ಲೋಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾ ಲೋಪ ನೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೋ ಜಾಯ ತಿಪ್ಕ ತಕಾರ ಸಿಪ್ಕೆ ಸಕಾರಿ ಲೋಪ ಹೋ ಜಾಯಂಗೆ ತಸೈ ನೀ ರೇಗ ರೂಪ ಜಗ ಅಭೂ ಅಭೂ ಏರು ಬನ್ ಜಾಯ ಯಾಪತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಕೈಸೆ ವೈ ಸಮಜಾಯ ದೇಖೋ ಕ್ಯೂಕಿ ಲೋಪೇ ವರುಳಿ ಇತಿ ಲೋಪಂ ಬಾಧಿತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗ ಲೋಪ ಲೋಪ ಹೋ ಜಾತ ಲೇನು ಸೆ ಬಾಧ ಕರ್ಕೆ ಹಲ್ ಪರತ್ವ ಹಲ್ಗೆ ಆದಿ ಲೋಪ ಸ್ಯಾದ ಪರಸೂತ್ರನಾತೆ ಹಲ್ಗೆ ಅಭಿ ದೀರ್ಘಾದಿ ಸೂತ್ರ ಹಲ್ಸೆ ತೋರ್ ಸ ಕೈ ಉಲ್ಟಾ ಲೋಪ ಹೋ ಜಾಯ ರೂಪ ಬನ್ನಚೆ ಅಭೂತ್ ಬನೆಗಾ ಅಭೂ ಬನ್ನಚೆ ಅಭೂಹು ಅವ್ರು ಬನ್ ಜಾಗ ಆಪತ್ತಿ ಹೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಯಾಕೆ ಅಚ್ಚಿ ಕಾನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೇ ನಾನು ಹಲ್ಗ್ಯಾದಿ ಲೋಪಾದ ಅಂತರಂಗತ್ವಾದ ಲೋಪವಿತಿ ಲೋಪ ಏವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಕೈ ಕಹ ಸಕ್ತಾ ಹಲ್ಗ್ಯಾದಿ ಲೋಪ ಭಲೆ ಪರ ಹೇ ಪರಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸವಿ ಅಂತಲ್ವಾನ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಹಣ ಪರ ನಿತ್ಯ ಅಂತರಂಗಪವಾದಾನ ಉತ್ತರೋತ್ತರಂ ಬಲೀಯ ಭಲೆ ಪರ ಸೂತ್ರ ಹಲ್ಗ್ಯಾದಿ ಉಸ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸೆ ಅಲ್ಪಾಪೇಕ್ಷಂ ಅಂತರಂಗಂ ಅವ್ರ ಹಲ್ಗ್ಯಾ ಭಿ ಗೋಪಾಪೇಕ್ಷ ಸೂತಿಸಿ ಅಭಿವಿಭಕ್ತಿ ಸಂಜಾವಲ ಸೂತಿಸಿ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಚೆ ಉಸ್ಕೆ ಹೋನಾ ಕಾಮ ಚಲೇಗಾ ನೀ ಹಲಂತಾತ್ ಗ್ಯಂತಾತ್ ಆವಂತಾತ್ ಚ ದೀರ್ಘಭೂತಾತ್ ದೀರ್ಘಭೂತ ಹೋನಾ ಚಾಹಿ ಉಸ್ ಪರಮೆ ಆನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಹಲ ವಹಾ ಪರ ಭಿ ಹಲ್ಗ್ಯಾ ಭಿ ಸೂತ್ರ ಕಾ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ 668 ದೋ ಸೂತ್ರ ಪಹಲೇ ಹೀ ಹೈ ಕೇವಲ 66 66 67 68 66 67 68 66 ಕಾ 66 ತವ ಕಥಾ ಹಲ್ಗ್ಯಾದಿ ಲೋಪ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಹ ಅಂತರಂಗ ಲೋಪ ವರ್ತಿ ಲೋಪಿಯೋ ಅನ್ನ ಚಾಹಿಯೆ ತಥಾ ಚ ಮವ್ಯತೆರ್ ಯಂಗ್ ಲುಗಂತಾದ ಲಂಗಿ ಟಿಪ್ಸಿಪ ಅಮಾಮತ್ ಅಮಾಮ ಇತ್ಯ ಲೋಪ ಇವ ಮಾಧವಾದಿ ಭಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಅವರ ಸಮಾನವೇ ಏಕ ಲಾಭ್ಯ ಮವ್ಯತೆ ಹೇ ಯಂಗ್ ಲುಗಂತ ರೂಪ ಹೇವ ಉಸ ಲಂಗ್ ಲಕಾರ ಟಿಪ್ಸಿಪ್ ಹೋನೆ ಪರ ಅಮಾಮತ್ ಅಮಾಮ ಎ ರೂಪ ಬಂತ ಹೈ ವ್ಯೋರ್ ಲೋಪ ಸೆ ವಹಾ ಪರ ಲೋಪ ಹುವಾ ಹೈ ಐಸೆ ಮಾಧವಾದಿ ಕಾ ಕಥನ ಕರ್ನ ಮಾಧವಿ ಧಾತು ವೃತ್ತಿಯಾದಿ ಕಾ ಕಥನ ಕರ್ನ ಭಿ ಉಚಿತ ಬನ್ ಜಾತ ಹೈ ಏವಂಚ ಅಜಗ್ರಹಣ ಉದುಬ್ಧಾಯ ಇತಿ ಉತ್ತರಾರ್ಥಂ ಅನುವರ್ತಮಾನ ಇಹಾಪಿ ಉಪರಂಜಕ ವೃತ್ತಿಕಾರಾದಿಭಿರ್ ಯೋಜಿತಂ ಇಸ್ಲೇ ಅಚ್ಚಿ ಜೋ ಗ್ರಹಣ ಕಿಯಾ ಉಸ ಅನುವೃತ್ತಿ ಯಹಾ ಜರುತ್ ನಹೀ ಥಿ ಏನ್ ಆಗೆ ಸೂತ್ರ ಮೇ ಜಾನಾ ಥಾ ಅಚ್ಚಿ ಆಗೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜರುತ್ ಹೈ ಇಸಿ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಇಸ್ಕೋ ಭಿ ಜೋಡ್ ಲಿಯಾ ಬೀಚ್ ಮೇ ಭಲೇ ಕೋಯಿ ಫಲ್ ನಹೀ ಹೈ ಯಹಾ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಹೀ ಹೈ ಉಪರಂಜಕತೆಯ ವೃತ್ತಿಕಾರ್ಯದ ಕೆ ದ್ವಾರ ಉಸ್ಕೋ ಜೋಡ್ ಲಿಯಾ ಗ್ಯಾ ನತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಇತ್ಯೇವ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಉಚಿತ ಇದು ಚೇತ್ ಕಿಸಿನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷನೆ ಕಿಯಾ ಅತ್ರ ಹೋಯ ಸಮತ್ ಕಹೋ ಭೂಕ್ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಂಗತ್ವಾತ್ ಬಹುಪೇಕ್ಷತ್ವೇನ ಹಲ್ಗ್ಯಾದಿ ಲೋಪಸ್ ಇವ ಉಕೋಪಿ ಬಹಿರಂಗತ್ಯ ಅಸಿದ್ಧತ್ವ ಸತಿ ವಲಿಲೋಪಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಏವ ಅಭಾವಾತ್ ಅಜಗ್ರಹಣಮಿಯ ಅರ್ಥಂ ಅಪಿ ಇತ್ಯೇವ ಸ್ಯುಕ್ತಂ ಯಾ ಸಾರ್ಥಕ ಅರ್ಥ ಕರ ಅಚ್ಚಿಗ್ರಹಣ ಕರ್ಣ ಕಿಂಗ್ಯ ಲೋಪ ವಿವರವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನೀ ವಾಸ್ತವ ಇದ್ಯಾ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಪರಿಭಾಷಾ ಲಗಾ ಹೋಗಿ ಆಪ್ ಕರೆ ಹಲ್ಗ್ಯಾದಿ ಲೋಪ ಬಹಿರಂಗ ಹೇ ಔರ್ ಲೋಪ ವಿವರವಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಹೇ ತೊ ಕತೆ ಲೋಪ ವಿವರವಲ್ಲಿ
दृष्टिकोण से ये भूभोग लुटो भी बहिरंग है, ये वो खोगा ही नहीं। अब पहले लोपे से प्राप्ति नहीं होगा, वह है ही नहीं, उसको दिखेगा नहीं, असिद्ध हो गया। बहिरंगता क्या आपने असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, नियम है बहिरंग कार्य पहले कर भी दिया हो वो अंतरंग के दृष्टिकोण से असिद्ध हो जाता है, इसे वो सिद्ध हो गया, वह है ही नहीं, तो लोपे कहाँ लगा लगेगा ही नहीं वो। अतएव अच्छी ग्रहण करना सार्थक हो गया, ये इनका कहना है। भूभोग इत्यस्य अंगत्व के अंग संज्ञा का अपेक्षता है भव अपेक्षत्वेन हल्ग्यादि लोप से इव हल्ग्यादि लोप के समान उको उकोपि बहिरंगतया उक भी बहिरंग होने के कारण से असिद्धत्वे सती वो असिद्ध होने के कारण से वलि लोप प्राप्ति रे प्राप्ति रेव अभावात लोप से वल के लोप की प्राप्ति नहीं है। अतः आज ग्रहणम यह अर्थम अपित्युक्तम इस आज ग्रहण करें सार्थक है, यह कहना ही उचित है। अयंच शंका ग्रंथ समतश्च मनोरमयम स्थित यह शंका समाधान है, सारी चीजें प्रौढ़ मनोरम के आधार पर हमने कह दिया। लेकिन इस विषय में नवी लोग और क्या कहते हैं, अत्र नव्या मव्यतिर यंग लुगंत एव नास्ति, मव्य धातु का यंग लुगंत रूप ही नहीं हो सकता, इसे आप मव धातु का लेना पड़ेगा। यदि संगति बिठानी है हमारे पूर्वाचार्यों की इज्जत रखना पड़ता है ना, कभी वो गलत बोले हैं तो उसको सही बनाना पड़ेगा, जिस किसी भी तरह घुमा फिरा करके। तो हम कहेंगे मव्य धातु, उन्होंने कहना मव्यतिर बोला था ना उन्होंने पूर्व में मव्यते, ये कहना ठीक नहीं है। मव्य धातु से यंग और सत का जो है रूप आप गहरे हो, ऐसे कहने से जो रूप आप चाह दिखाए अमामत अमामह ये रूप बनेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर मव्यतिर यंग लुगंत एव नास्ति, अमामद इत्यादि रूपम तो दूराद अपास्तमेव, इसलिए मव्य धातु के जो है यंगन तो कह करके अमामत और अमाम रूप जो बना रहे हो यह रूप ही नहीं बनेगा उस प्रकार से। यकार वकारांता नाम ऊटी नाम यंग लुग नास्ती थी, क्योंकि जो यकार वकारांत होंगे धातु जिनके भविष्य में संप्रसारण होना है या ऊट होना है, ऐसे धातुओं का यंग लुगंत रूप होता नहीं, ऐसे भाष्यकार ने कर दिया है। यह शिव धातु है, शिव संतान है, वह सिलाई करना अर्थ वाला वह कूट होता है, इसे उस धातु का यंग लुगंत रूप नहीं चला सकते आप, निषेध। भाष्यकार ने कह दिया कार वकारांता नाम ऊट भावी नाम यंग लुंग नास्ती छुआ चित सूत्र भाष्य ध्वनितम कयट एन स्पष्टीकृतम, कयट के द्वारा स्पष्ट भी कर दिया गया है। यांत वांत और ऊट भावी धातु, यांत और ऊट भावी धातु जितने भी हैं उन धातु यंग लुगंत लकार चलता ही नहीं, और मव्य क्या है यांत है, इस यंग लुगंत चलेगा ही नहीं। इधं चोरी ऊट तद विषय काम ज्वरत्वर इत्यादि ऊट भावी श्रीम व्यवस्थो यंग लुगस्तव न्याय माधवादि सम्मतंच। आप देखिए इज्जत रखने के लिए बोलने लगा, क्या कहते हैं जहाँ पर हैं छोसुड अनुनासी के चुद से ऊट होता है, तार्श वाला जो धातु है जिन धातुओं से सूत्र से ऊट होना है, कि उस सूत्र में भाष्यकार ने कहा इसे जिन धातुओं का ऊट उस सूत्र से होता हो उन्हीं धातुओं का यंगलुगंत रूप नहीं चलेगा, लेकिन इसे भिन्न जो है जिनसे ऊट हो रहा है जिन धातुओं से ऊट हो रहा है उन धातुओं का तो यंगलुगंत चलाएंगे हम, ऐसा सूत्र को सीमित करते हुए व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वरत्वर श्रीव्यवीमवाम उपधाय सूत्र है 6421 है शायद या 127 है, जो भी है देख लीजिएगा। यदि ऊट भावी न हो श्रीविम अव्यवस्त यंग लुगन अस्त्यवैति न्यायम माधवादि सम्मत, जो है छोसुना इसके सोने वाला ऊट कोई निषेध करेगा, वह ऊट से सूत्र होता है ज्वरत्वरित इसको छोड़ के ये कैसी व्याख्या आप सीमित करके कह सकेंगे, यह बीच की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तथा च तद ग्रंथेन सा अत्रत्य मनोरम ग्रंथ विरुद्धति, इसीलिए इस पर विरोध हो जाएगा। तो समाधान क्या है फिर, यदि तू मवतेर ऐसे करो मव धातु लो, मव्य धातु कोई मत, मव्य लेंगे तो गड़बड़ है, मव धातु लो
जिसका संप्रसारण या उपधान ही नहीं है। मव धातुकूट को विधान नहीं किया, मव्य धातुकूट विधान किया है, मव को नहीं विधान किया। इसलिए ले लो मवतेर यंग लुगंता दिति मनोरमय पठ्येत तदा ऐसे पाठ यदि कर देंगे मव्यतेर न करके मवतेर पाठ कर देते हैं तो सब दोष दूर हो जाएगा। तदा तत्र पूर्वा प्रग्रंथ विरोध नास्ति इति दिक्। एकाचौ द्वे प्रथमस्य एकाचौ द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य अजादेर द्वितीयस्य एका षष्ठी एकवचन द्विशब्द का तो नित्य द्विवचन आता होता, प्रथमा का द्विवचन ही बोलो, द्वे प्रथमा का द्विवचन और प्रथमस्य षष्ठी का एकवचन। अजादेर द्वितीयस्य अजय षष्ठी एक वचन, द्वितीय से भी षष्ठी का एक वचन। इत्यधिकृत्य लिटि धातोरनभ्यासस्य लिटि धातोरनभ्यासस्य लिटि सप्तमी के एक वचन, धातो षष्ठी एक वचन, अनभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन। लिटि परे अनभ्यास धातवस्य एकाच प्रथमस्य द्वेस्ता आदिर्भूतादच परस्य तु द्वितीयस्य आदिभूतादच परस्य तु द्वितीयस्य। यहाँ पर आदिभूतादच कर पंचमी ले सकते हैं, वैसे आदिभूता पंचमी कर दिया। यह अजादि धातोर अवयभूतस्य द्वितीयस्य ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। दोनों षष्ठी अजादि जो धातु, उस धातु का अवयव, अवयव विशिष्टि कर दो उसको अवयव, तो अजादि धातु के द्वितीय अवयभूत का जो अच ऐसा हो जाएगा। दोनों ली जा सकती है, देख बताएंगे षष्ठी भी लेंगे एक पक्ष में। इसलिए क्या हुआ, द्वित हो गया भू भू अ इति स्थिते, भू भू अ द्वित कर दिया आपने। टीका हमारे विस्तार पर इससे पहले समय नहीं लगाएंगे, टीका में देख लीजिए। अजादे एकाच अजादे इत्यादि कृत्य थी अष्टाध्याय आरंभे द्वे इमे सूत्र ते च न विधाय के अति प्रसंगात, ये छठे अध्याय वाला ये आरंभ में रहने वाले दो सूत्र हैं, ये विधि सूत्र नहीं है, नहीं तो अति प्रसक्ति हो जाएगी। किंतु शंघ प्रसारण संप्रसारण इति प्राग अनुवर्ते ते शंघ संप्रसारण 6-1-13 मैंने 12वें तक इनकी अनुवृत्ति होती अधिकार है। लिटि धातो एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यधिकृता धातो रीति अवयवष्टि, देखिए धातो जब हम लाएंगे उसको अवयव षष्टि बना देंगे। तदा धातवयवस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य इति च धातवयवस्य विशेषण, तो उन दोनों को धातवयव का विशेषण बना देंगे, चाहे एकाच को भी प्रथमस्य को भी। एकस्य या तद्गुण समिज्ञान बौरी तथा च लिटि परे अभ्यास भिन्नस्य, अभ्यास जो भिन्न जो एकाचकस्य प्रथमस्य धातुवस्य द्वे उच्चारण स्तः, इसे पहला वाक्यार्थ हो गया। एकाच इत्यत्र कर्मधारय आश्रयणे तु, यदि एकाच कर्मधारय आश्रय कर लेते फिर तो पपाच इत्यादि न सिद्धे इत्यादि रूप सिद्धि नहीं हो पाता, इति भाष्ये स्पष्टम्। पच धातु रहेगा, एक अच्छ है जिसका एक अच अवयव है जिसका हम बहुरी समास कर दीजिए, एकश्चसौ अच्छ ऐसे कर एकाच रूपा दो धातु, और एकाच रूपा था तो कौन मिलेंगे हमको, बहुत सारे हैं इनका तो ई है, एक स्मरण धातु ई बचता है, इंग अध्ययन वास्तव ई है, अति उपसर्ग पूर्व प्रयोग हो जाता है, इन एकाच रूपा है ना धातु, ऐसे एकाच रूपा दीर ई वाला धातु भी है, ऊ धातु भी दीर वाला धातु भी है, इस तरह के अनेकों धातु एकाच रूपा जो है वही यहाँ पर द्वित होने लगेंगे यदि हम कर्मधार समास लेंगे तो। इसे बहुत समास कर दो, एक है अवयभूता अच जिसका हलादि हलन सब आ जाएंगे, एक अच होना चाहिए बस, हलादि अजंत तो भी चलेगा, अजादि हलंत तो भी चलेगा, और अजादि हलंत और हलादि हलंत बीच में छो तो भी चलेगा,
संयोग आदि हो, बीच में अच्छो तो भी चलेगा, स्वयागंत हो, पूर्व में अच्छो तो भी चलेगा, सारे आ जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा होना चाहिए बस। आगे पीछे कितने हल है, नहीं है, संयोग है, नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं। इसे बहुरी समास होने से सबका द्वित हो जाएगा, नहीं तो केवल आजाद अजरूपा जो धातु है उनका ही होता, फिर कच्छ धातु अजरूप रहे ना, हलादि हलंत है, या होगा नहीं द्वित, ये पपाचर बनेगा नहीं, ऐसे भाष्यकार ने दृष्टांत कर समझाया है। अजाद्वितीयस्यप्यधिकृतम तत्र अच्छासौ आदिश्चित अजाधि तस्मात् इति कर्मधारयात् पंचमी। देखो पहला पक्ष है कर्मधार से पंचमी का एक वचन, कर्मधार समास कर दो और पंचमी का एक वचन कर दो, फिर क्या करना आगे, तदा आदिभूताद प्रसिद्ध एकाचेति शेषा अजादि धात्वस्य। देखो अजादि धात्व से सीधा भी जोड़ सकते, देखो षष्ठी कर देना अभी आप, अजाधात्वस्य अजादि जो धातु है उसका जो एकाच है उसको जित होता है, एन वह एकाच आदिभूत का ही करेगा या द्वितीय का करेगा, तब कह गए तरी द्वितीय से ही वह एकाच हो, द्वितीय एकाच समुदाय को जित होता है, आदिभूत एकाच समुदाय को नहीं होगा, नियमन करने के लिए द्वितीय से जुड़ गया, बाकी एकाच अनुवृत्ति आ रहा है वो जुड़ेगा ही, वो तो कहेगा एकाच को करो, अरे कौन से को करो जब आदिभूत अच्छ होगा तो द्वितीय समुदाय को करो, तरी द्वितीय से वह एकाच उदितम न तो प्रथम सीति यावत, अत्र द्वैती अनंतराम उच्चारणे इति अध्याहृत्य एकाच प्रथम सीति कृद्योग षष्ठी चाश्रित्य द्विप्रयोग एवत्र विद्यते। अगर ने यहाँ पर षष्ठी का सर कैसे करना बता दिया कि द्वेष के अनंतर हमें अध्याय करना पड़ेगा, उच्चारण द्वित्व करो माने दुरुच्चारण करो, उच्चारण एक कृदंत है लुड़ंत है, तो वैसे जो उच्चारण में चारणम कैसे हो जाएगा, निजंत करना पड़ेगा पहले, चारी धातु उत्त उपसपूरक चारी धातु से लुट कर गए, युग अनादेश होता है चारणम बन जाता है, नकार हो गया उसको, इसलिए कहते हैं यदि आपने उच्चारण शब्द को ले आए फिर अपने आप कृद्योग लक्षण षष्ठी हो जाएगा, उसी को आश्रय करते हुए द्विप्रयोग एवत्र विद्यते, न स्थान षष्ठी आश्रित्य आदेश पक्ष, स्थान षष्ठी को आश्रय करके या आदेश पक्ष नहीं समझना, सूत्र में जो षष्ठी है वो स्थान षष्ठी नहीं है किंतु कृद्योग लक्षणा षष्ठी समझो, कर्तृकर्मणो कृति सूत्र है ना, कर्तार्थ में भी षष्ठी होता है कर्मार्थ में भी षष्ठी हो जाएगा कृदंत के योग में, तो कहते हैं इसलिए आदेश प्रत्यय यदि सूत्र भाष्य भी द्विप्रयोग पक्ष है वो आदेश प्रत्यय सूत्र में भी भाष्यकार ने द्विप्रयोग पक्ष को ही बताया फिर आदेश पक्ष नहीं बताया, तद यह विस्तार अभ्यात न विलिखितम, विस्तार के वजह से उन सारे पंक्तियों को यहाँ नहीं रखा गया है, पपाचीयाय इत्यादि प्रथमत्वम एकास्तम च व्यपदेशिवत्वेन बोध्य, पक्षधातु में एका समुदाय है और उसे प्रथमत्व कैसे है, दूसरा समुदाय तो है ही नहीं तो व्यपदेश भाव से लेना पड़ेगा, और ई धातु है इन गतौ आदिभूत अच्छा है तो आपने आदिभूत यदि अच्छा रहेगा तो द्वितीय समुदाय को करने को कहा, या द्वितीय समुदाय तो है ही नहीं, एक ही अच्छा है वो तो कैसे करोगे, आजाद द्वितीय से कैसे लगाओगे, वहाँ व्यपदेश भाव से लगाना पड़ेगा, वहाँ वही आदि है वही मध्य है माने वही प्रथम है द्वितीय भी है, यूँ मान करके द्वितीयत्व मानकर उसमें दुरुच्चारण कर दिया जाएगा, या इत्यादि या इनका तो धातु का है इत्यादि प्रथमत्व एकास्तम च व्यपदेश उत्पन्न बोध्यम, अजादरिति बहुरी आश्रय ने तो इद्रम इंद्र आत्मनिच्छति इंद्रियति इंद्रियितुम इच्छति इति इंद्रियति इत्यादि नंद्रा संयोगादि दकारस्य द्वित्व निषेधश्च स्यात्, ये लाभ है बहुव्रीहि को आश्रय करने से, इंद्रम आत्मन इच्छति पहले बना लिया अपने इंद्रियति के जंत्र बना ना, धातु क्या है इंद्रिय धातु बना, सुपात्मना क्यच क्यचिच इत्वा इंद्रिय धातु बना, लट्ते शब्द इंद्रिय और उसका भी कृदंत करो क्विप कर सर्वा पर लग कर दो इंद्रिय का, इंद्रियम
अब द्वितीय अवगुण इंद्रियम इच्छति सन, अब सीधे इंद्रियतुम इच्छति, इंद्रियतुम इच्छति इति इंद्रियति इत्यादो नंद्रा संयोगादिति दकार से द्वित्व निषेधश्च स्यात्, कार के द्वित्व निषेध होने लग जाता तत्र अजादरित्य अनुवृत्ति है कि वहां भी अजादरित्य की अनुवृत्ति है। चेक तीन कद नंद्रा संयोगादि आजादी शब्द में यदि बहुरी समास करते तो यह आपत्ति है, यानी आजादी में क्या किए बहुरी नहीं किए ना, अच्छा आदिशिति आजादी कर्मधारय समास किया था ना, उससे हमने पंचमी लाए थे, षष्ठी लाते हो आजादे बनाते हो है ना, यदि धातु के तुम्हें समानार्थी अन्वय करना है तो आजादी भूत जो धातु मैंने आजादी धातुस्य कर्म षष्ठी ले लेंगे समानार्थी अन्वय हो जाएगा, नहीं तो आजादी है जो ऐसे करके अलग कर दो, ऐसा जो धातु उसका अवयव पंचमी सकते हैं तो जो भी लेंगे, लेकिन वह कर्मधार समास हमने किया, यदि हम बहुरी समास करते ये समस्या आ जाती, फिर द का भी आप कर नहीं सकते द्वित्व नंद्रा संयोगा नकार हो संयोग के आदि में उसका नहीं होता, दकार को भी नहीं होता, ध्र ध्र है ना यहाँ पर इंद्र न को भी होगा द को भी नहीं होगा, फिर री को हो जाता, रिय को जित हो जाता, स्ट्रुप हो जाएगा, इष्टेत्री को करना, इसे हम भौरी समास ना करके कर्मधारय समास कर देंगे तो आपत्ति दूर हो जाएगा। तत्राचार्य अनुवृत्ति है धातु यदि किम धातु क्यों का तद अभावे ही लिटि पर यह प्रथम एकाच, लिट के पर जो प्रथम एकाच है तस्य द्वे उसको द्वित होता है यह अर्थ हो जाएगा, एवं से पपाच इत्यादि एवं से पपाच इत्यादि में तो बन जाएगा, जागृत अनेकाच धातु है हुआ नहीं हो पाएगा, जागरी दरिद्रा इस अनेकाच धातु है ना, दो अच्छे वाले धातु है तीन अच्छे वाले, जागरी में दो अच्छे अधिकारी संज्ञा नहीं होता है धातु, और दरिद्रा धातु ही है वह तीन अच्छे, तो ऐसे स्थलों में क्या करोगे आप, इसीलिए यहाँ पर आप धातु का अधिकार लिया तो सुविधा हो जाएगा, एवं सिद्धि पपाच इत्यादि सियात न तो जागार इत्यादि भाष्य स्पष्टम, भाष्यकार ने इस बात को स्पष्ट कहा है, जागरी धातु निद्राक्ष अर्थ में है कि नहीं तो लिटी परे या प्रथम एकाच उसको जित होता है, या एकाच है नहीं या तो अनेकाच है, एकाच प्रथम है उसको होगा, अनेकाच प्रथम में तो होगा नहीं, यह आपत्ति आ जाती, इसे धातु को ले लो धातु से परे एकाच धातु हो, एकाच और धातु का विशेषण करेंगे और अगले सूत्र में आजादित उसको कर दूंगा तो कोई दिक्कत, धातु का अवयभूत जो एकाच ऐसा कहो, एकाच रूपा धातु नहीं रहा ना, अब धातु का अवयभूत जो एकाच है ऐसे हम व्याख्या कर देंगे तो कहीं भी सही नहीं, जहाँ अनेकाच धातु रहे कोई आपत्ति नहीं, धातु का अवयव एकाच उसको द्वित करना है, अनेक अनभ्यास क्यों कहते हो, एक लक्ष्य में एक बार प्रवृत्त हो गया सूत्र, लक्ष्य लक्षण से सक्रदेव प्रवर्तत है, एक लक्ष्य में एक लक्षण एक ही बार प्रवृत्त, उसी लक्ष्य में बार बार प्रवृत्त आप नहीं करा सकते, ऐसे जो सिद्धांत है वो सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा, इतने चवाचम ऐसे मत कहो, मैंने इसलिए कि दो जगह जो सन के प्रत्यय हम करते हैं और एक चंग के प्रत्यय हम करते हैं द्वित्व, उन द्वित्वों में अनभ्यास को कहे बिना अभ्यास को जुतने लगेगा कि पहले द्वित्व हो चुका है, एक बार द्वित्व कर चुके जब यह किया उस समय आपने कर चुके हैं, यंगंत कैसे आप फिर सन लाए, अब सन को निमित्त मान के फिर द्वित्व हो रहा था ना, और द्वित्व किसको करोगे, वो अभ्यास के होना चाहिए अभ्यास को नहीं, यदि अनभ्यास सूत्र में ना होता सन के प्रथम अभ्यास को कर देते, वो प्रथम एक समझा भी मिलेगा ना आपको, यंग को निमित्त मान कर जो द्वित्व हुआ है उस द्वित्व का जो अभ्यास है वो सन के दृष्टि में क्या हो जाएगा, प्रथम एकाच समुदाय हो कि नहीं हो तो उसको द्वित्व होने लगेगा, जिसका एक बार अभ्यास संज्ञा हो गया उसका द्वित्व आप न करें, इसका कहने के लिए आपको सूत्र में अनभ्यास करने आवश्यक है, वही कह रहे दो स्थल दिखाया, पहले यंगंत करो, यंगंत से संयंग हो यंग निमित्तक द्वित्व आपने कर दिया, यंग किया तो यंग निमित्त का आपने द्वित्व कर दिया, फिर उस यंगन से हमने सन लाए तो सन निमित्त द्वित्व
होने लगेगा। वह द्वित्व जो यंगंत का द्वित्व था उसके अभ्यास जो है, अभ्यास उसके लिए सन के दृष्टिकोण से प्रथम एक का समुदाय हो जाएगा, उसको द्वित्व न हो गए, वो द्वित्व की निवृत्ति के लिए नंबर एक। नंबर दो, सन्नंत आपने रूप लिया, सन्नंत से संयंगो से कृत आपने द्वित्व कर दिया, सन्नत धातु लिया और संयंगो से आपने इसलिए द्वित्वाधिकारी कर दिए। फिर लुंग लकार का हो गए, चंग होगा, चंगी भी कहते द्वित्व करो, अचंग निमित्त द्वित्व किसको करोगे, उसके से एक का समुदाय कौन हो जाएगा, संतक जो अभ्यास है वो चंग दृष्टिकोण प्रथम एक का समुदाय बनेगा, लेकिन उसी अभ्यास संज्ञा हो रखा है, सन वाला वो अभ्यास है, सन निमित्त द्वित्व का अभ्यास हो वो चंग दृष्टिकोण से प्रथम एक का होने से उसको द्वित्व होने जा रहा था, उसे रोकने के लिए कहना पड़ेगा अनभ्यास से। दूसरी यदि द्वित्व निवृत्त है च अनभ्यास ग्रहण से आवश्यकत्वात्, भाष्य तो कृष्णो नो नाव वृषभ यदीदम इत्यादि नू धातु यंगंतात संयंगित कृतचित्तात नो नूय इत्यस्मात् लिटि कास प्रत्यय आम मंत्रे लिटि इति मंत्र प्रदासाद आम अभावे यस्य अलैति अकार लोपे अतो लोपे टिपो नली वृद्धौ आवादेशे नो नाव इत्यत्र लिटिदादु द्वित्व निवृत्तये अनभ्यास ग्रहणम् इत्युक्त्वा अनभ्यास ग्रहणम् अनितगम् छन्दसि वा वचनात् इत्युक्तम्, ऐसे भाष्यकार ने कहा। और वैसे भी छंद सब कार्य विकल्प होता ही है, छांदस प्रयोग में दोष आ रहा है समझ करके यदि आप अनभ्यास ग्रहण किए हो वो तो व्यर्थ ही है, और लोक में अनभ्यास ग्रहण करके जरूरत नहीं, क्यों उन्होंने ये समझाया भी प्रक्रिया बताई नो नाव, तो कहते काश प्रत्याद आम मंत्रे लिटी थी मंत्र प्रदास, मंत्र प्रदास किया इसलिए आम तो होगा नहीं यहाँ, अमंत्र का दे ना अमंत्र मैंने अछंदसी अवेद है, ये वेद का वाक्य है, कृष्णो नोनाय वृषभो यदीदम वेद वाक्य है, इसलिए छांदस होने का ना तो मंत्र है ये, और वह सूत्र का आमंत्र कह दिया, अनेकाच धातु आस का जो आम कर रहे सूत्र कर रहा है वो अमंत्र कह दिया, वेद में आम नहीं होगा, इसका मतलब आम नहीं हुआ, केवल इट है नल आएगा, नल आने के बाद क्या होगा, प्रसाद आम अभावे यश चलित यकार लोपे अतो लोपे, ये यश हला से क्या होगा, अकार यकार का लोप होगा, फिर अतो लोप से अकलोप हो जाएगा, टिपो नली जो टिप आया लिट के स्थान में उसको नल हो जाएगा, तो बचा गया नो नू अ नल का, कि नो नू यह था ना, नो नू यह था, अलोप हो गया या लोप हो गया दोनों चले गए, तो टिप है वहाँ आम तो हुआ नहीं, लिट को से टिप तिप को नल नल का है नो नू अ वृद्धि होगा आवेश नो नाव बन जाएगा। तसन्न कहते आपने क्या किया था, लिटी धातु रीति द्वित्व निवृत्त तिपो नली वृद्धौ आवादेशे नो नाव इत्यत्र नो नाव बनाना नो नाव अ ऐसा रखो अभी नो नाव अ, अब नल को निमित्त मान करके लिट्ट है ना लिट के समय तिप को नल हुआ उसको मैं मान के लिटी धातु प्रतित्व प्राप्त था, पहले तो अपने किससे की थी यंग से, यंग को लेकर के नहीं नू धातु को द्वित्व किया नो 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 नू य बना था और लोप होकर के वृद्धि होकर नो नाव बना है नो नाव धन लिट के अ बचा हुआ है नल के आकार बचा हुआ है, इस अ को निमित्त मान करके लिटी धातु निरपेक्ष द्वित्व होगा, द्वित्व किसको होगा प्राप्त हो जा रहा है नो को अभ्यास वाले को, उसे रोकेंगे कैसे आप वह न हो, इसलिए अनभ्यास से कहना पड़ेगा तब उस नो को द्वित्व नहीं होगा, ये फल है यदि लिटी धातु द्वित्व निवृत्त है अनभ्यास ग्रहण इत्युक्त्वा, ऐसे उन्हें समझा करके अंत में लेकिन कहते लेकिन इसके लिए अनभ्यास ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, इस आपत्ति को दूर करने के लिए नो के द्वित्व की निवृत्ति के लिए अनभ्यास ग्रहण करने की वास्तव में जरूरत नहीं, क्यों कहते हैं अनभ्यास ग्रहणम अनर्थकम छंदसी वा वचनात्, के सारे कर्म क्या होता है बौड़म छंदसी बौल का थोना है या प्रवृत्ति नहीं हुआ कोई आपत्ति नहीं, कुचित प्रवृत्ति कुचित प्रवृत्ति लक्ष्य लक्ष्य को देखते हुए हम क्या करेंगे नो नावा में लिटी धातु अभ्यास को लगाएंगे ही नहीं, झंझट खत्म,
इसीलिए लिटी धातु अनुपस्थित न होवे उसके लिए अनभ्यास ग्रहण करने की आवश्यकता रहा ही नहीं, क्यों सूत्र प्रवृत्ति नहीं हुआ, क्वचित प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं हुई, द्वित्व की प्राप्ति नहीं है, तथ्यप्ति का निवारण करने की क्या जरूरत है, इसे अनभ्यास ग्रहण करना अनर्थकम, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। यंगंतात सनि सनंतात निचि चंगी च प्रयोग हो लोके नास्ति व, लेकिन पहले वाला जो दिया था हमने यंगन से सन किया और सन्नन से लुंग लकार चंग किया, वह सन निमित्तक और चंग निमित्तक द्वित्व में अभ्यास को भी होने जा रहा था, उसे कैसे रोकेंगे, उसके लिए अनभ्यास जरूरत है। यदि ऐसा कहते हो कि ऐसे रूप लोक में प्रयोग होता ही नहीं, ये आप कल्पना कर रहे हैं, यंग करो यंग से सन करो और सन से फिर यंग करो यंग करो यंग लुक कर दो, प्रत्ययमाला प्रकरण वगैरह है ना, ये सब लोक में इनका प्रयोग होता नहीं, संभावना है प्रत्यय कर सकते हो दिखा रहे हैं लेकिन वास्तव में प्रयोग में नहीं आता। इसे कहते हैं कि देखो उन स्थलों की अतिव्याप्ति का निवारण अप्रयोगादेव हो जाएगा, यंगंता सनि सन्नंता निच करके चंग करके प्रयोग हो, अथवा ये तो यंगन सनी एक हो गया, दूसरा क्या था सन्नन से निच, निच से चंग हुआ, वो चंगंत को लेकर के आपने कहा था, ये दोनों दोषों की निवृत्ति करने के लिए अनभ्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग लोके नास्ति वैति तदाशयति शब्देन्दु शेखरे स्पष्टा। इस तरह से इस सूत्र में अनभ्यास ग्रहण करना आवश्यकता है ही नहीं, ये सिद्ध हो गया। प्रकृति च भू व इत्यत्र चत्वार एकाच, अब भू है उसमें कहते किसको आपने द्वित्व करना है, ये चार एकाच समुदाय है, केवल भू एक है, भू अलग है, भू अलग है, भू भू एक भू अलग, वो केवल अलग कर दो, भ निकालो व निकाल दो केवल, और चौथा भू, ये चार है, भारू एकाद समुदाय हो जाएगा, ऊ और वह दूसरे का समुदाय का, भाव निकाल दो ऊ मात्र है वो भी एकाद समुदाय कहा जाएगा, और भू संपूर्ण भी एकाद समुदाय है। अब किसको द्वित्व करेंगे, चारों में से किसी को भी कर दो तो ये सूत्र तो सार्थक हो जाएगा, केवल ऊ को कर डालो फिर, तब कहते हैं वृक्ष प्रचलन न्याय, वृक्ष प्रचलन सह शाखा भी प्रचलती, इसीलिए ऊ को हिलाओगे आप भ व भी हिल जाएगा, के बिना जो है ऊ का भ व का कोई अस्तित्व नहीं है, अजन्म जो है व्यंजन जो है अच से रहित उच्चारण होता ही नहीं, अजन व्यंजनम उच्चारण न भवती नोच्चारण भवती, ऐसे इसीलिए आप ऊ को द्वित करने लगो, चाहे भू के साथ ऊ को करोगे, चाहे भू के साथ ऊ को करे या केवल ऊ को भी करोगे, तो भ और व में हलचल तो मचेगा ही, उनके बीच तो अपने आप हो जाएगा। अजय भू समुदाय को तो हमें करना है, केवल भूख को नहीं, केवल भूख को नहीं, केवल भूख को नहीं, असंभवात वही समझाते, भू इति प्रथमा भू इति द्वितीय भू इति व्यपदेशोद भावेन तृतीय एकाच भू इति समुदाय सु चतुर्था, तत्र समुदाय द्विरुच्यमाने सर्वे अवयवा द्विरुच्यन्ते इति भूव इति समुदाय सेव द्विवचनम इति भाष्य स्पष्ट तदा भू भूव इति स्थिते इति।